हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी शूट में, और थैंक यू, ये मेरा नया फोन है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे लोग तो पहले थैंक यू बोल देती हूँ। थैंक यू गाइज, देखो मैं कितनी ज्यादा एडवांस हूँ। मैं कह रही हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे लोग, मैं पहले ही थैंक यू बोल देती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ सूट में, और आज हमारे साथ वीडियोग्राफर शर्मा जी भी आ रहे हैं हमारा शूट देखने के लिए। दीपक ने कल इतना अच्छा एक चीज बोली, मैंने कहा देखने का दीपक से पूछा आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैंने दीपक बोल रहा, दीपक तूने क्या कहा? हमारे बहुत ज्यादा फैन आते हैं। नहीं, दीपक ने कहा जिसको हत्या मारने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती वो हमारे साथ चल सकता है। मुझे वो चीज बार बार याद आ गई, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता है कि ना वहाँ हम तो चलो काम करते हैं, दीपक अपना पूरा दिन कैसे निकालता है ना, आप उसके व्लॉग में देख सकते हो। वो कभी भी एक जगह नहीं बैठता है, वो कभी इधर कभी उधर, कभी किसके साथ कभी किसके साथ जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ बहुत बोरिंग होती है। हमारा तो चलो काम है, लेकिन इनको ना बहुत बोरिंग हो जाती है जो अदर आते हैं। तूने कंघी मारी थी ना? फिर भी कंघी नहीं मानी थी। कंघी अब ऊपर को मत करना बाल, आजकल मैं इसको नया ना हेयर स्टाइल करना सिखा रही हूँ। देखो अब मेरा आज नया फोन आ गया ना, तो मुझे ना व्लॉगिंग करने का मन भी कर रहा है, वरना मुझे व्लॉगिंग आज से आपको वाहनों दिखेगी आपसे ज्यादा। वो पूरा फोन ऐसा हो गया था ना गचड़ बचड़ सा, मेरे को ना मन ही नहीं कर रहा था उसको यूज करने का। तो आज नया व्लॉग नई फोन से। कितनी तारीख है आज? आज है 30 सितंबर। जाना और चारू का रोना, देखो बाहर लाए ना पापा उसको घुमाने के लिए। बाय बाबू। कैसे देखा है? देखो आज अभी थोड़ी देर में भूल जाता है, लेकिन मैं शाम को आकर ना बहुत ही खुश हो जाता है। इसके लिए पनीर ले जाना पड़ता है, 95 रुपए का पैकेट रोज पनीर का खाता है। कल मम्मी ने सब्जी बना दी, उसके लिए पनीर लगी थी। मैं तो हैंडसम पागल, मैंने तेरे को कितनी अच्छी लुक बता रखी है, पता है तुझे? कितनी अच्छी ट्रिक बता रखी। देखो भाई इसका लुक ऐसा कैसा लग रहा है, पिछली वीडियो में जाके देखना ये कैसा लग रहा था। तो अभी देखो इसका लुक। मैंने कहा आज से बाल हाल अब कंघी लगाने की छोड़नी पड़ी है। लोग कह रहे क्या बड़ी औकात दिखा रहे, बाल हाल बनाते रह रहा है 24 घंटे। मैंने कहा अब नारद नहीं बनाता हूँ बाल। नहीं पता है आपको, इस पे ना जो हेयर स्टाइल सूट करती है ना, जैसे इसका फेस इसका जिस टाइप का मतलब लुक है ना, फेस का लुक कुछ उस टाइप का मैंने तब इसकी हेयर सजेस्ट करा। देखो कितना स्मार्ट लग रहा है, कोरा कोरा लगा हुआ है पूरा, देख सकते हो आप हमारे कॉलेज की रोड। ये अच्छा था प्रेम में वो है दीपक भैया, काट दिया ये देखा अब कही इन्होंने बात, फ्रेम में मैं हूँ तब अच्छी लग रही है वो वीडियो। ये मोए लो अच्छा हो गया देखा। आदमी भगवान से तो डरो, एक परसेंट का भी क्रेडिट नहीं ले जाने दूंगी इनको। 1% का चम्मच आप अलग थे, हमारा तो नेक्स्ट लगा दिया। बताओ यार रोहित, ये मेरे नाम की बात हुई ना, हमारा नेक्स्ट जो गीत सॉन्ग होगा तो हम इसमें अपने डीओपी इनको रखेंगे। नया जो गीत सॉन्ग होगा, गीत सॉन्ग गाना जो होगा, गीत सॉन्ग जो गाना होगा, आपके समझो कॉन्टेक्ट पेपर होगा, हम साइन कर लेंगे आपके, हम उसको भेज देंगे, आप साइन कर दीजिएगा। ओके सर। मेरे किसको? आपके पीए को, जो पीए रहता है हमेशा। मैंने भी देखा हूँ उसमें आज तक, कपड़े बदल के आगे ना मैं हूँ। दाढ़ी बना के तो फिर आप पहचान ही नहीं पाओगे। इतना हैंडसम लगता हूँ बल धन्यवाद सर बहुत बहुत। अरे नाने नारे ना डीओपी साहब, अपना लेंस चेंज हो गया इनका, अपना लेंस नहीं कैमरे का लेंस अपना लेंस चेंज कर दिया गया, अपना नहीं कराया यार गाइस, अपना कराया अपने कैमरे का। तो ये कौन सा कैमरा बता सकते हैं सर? ये है आपका सोनी 7S3।
सोनी 7S3 तो ज्यादातर शूटिंग इसी से होती है, कैमरे में हमारे जो भी फोटोग्राफ होते हैं इससे, क्यों सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें लेंस अलग अलग लगते हैं क्यों? हाँ, लेंस होते रहते हैं। अभी कौन सा लेंस लगाया आपने इसमें? हमारा 18mm का आप लगाया है। इससे कौन सा लेंगे आप फोटो, अभी कौन सी वीडियो लेंगे? वाइड एंगल लेंगे। हिमालय में बर्फ गिरी हम देखो अपने सूट की दूसरी लोकेशन पे, और यहाँ पे फूल इतने प्यारे हो रखे हैं ना, अच्छा लग रहा है। क्यों आना, अब चल रहे हैं अपने सूट के दूसरी लोकेशन में। तो यहाँ से पीछे से पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस, और यहाँ से पीछे से हमारे पीछे पीछे सनसेट, और सामने पंचायत चली। हाय हाय, मजा आया था। आज मैंने इतना टाइम यहाँ शूट किया, लेकिन आज पहली बार मैंने यहाँ ऐसे सनसेट में शूट किया कि इतना सनसेट हो गया है। और इतना अच्छा मौसम आया, मैंने यहाँ पहली बार यहाँ तीसरी चौथी बार आ रही हूँ यहाँ, इतना अच्छा का मौसम हो गया। हाँ मस्त हो रहा है, मतलब काली के मंदिर में छुपे एक छाता थी हमारे उस दिन, और हाँ। एक छाता थी और तेज की बारिश हो रही थी। तो गाइस देखो सनसेट हो रहा है इतना प्यारा, और हम इतनी प्यारी लोकेशन पे आए हैं, क्या मजा आ रहा है। और किसी को आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन हमको तो आ रहा। क्यों आ रहा था? अरे भाई यार मजा, इसे मजा नहीं बोलते, जन्नत बोलते यार, मुझे बड़ा मजा आया। और देखो तो सनसेट कितना प्यारा हो रहा सामने, बहुत सुंदर मजेदार है। तो गाइस देखो सनसेट में चल रहा है लास्ट जाने का सीन। तो गाइस चलने लग गए, बस आज का पैकअप हो गया हमारा, और चल रहे हैं मैं और भानुमती, हम चल रहे हैं यहाँ से बढ़िया टेक करके अपना, मतलब आज का सूट पूरा हो गया गाइस पैकअप, और चलने की तैयारी। चलने लग गया पीछे को, और आज मेरे मोबाइल में बैटरी खत्म हो गई थी, हम कहीं से कुछ चल भी नहीं पाए, तो अब चल रहे हैं मोबाइल में। आज सारे ब्लॉग बनाने मोबाइल से देंगे, ये आज आईफोन के 15 की क्वालिटी मिलेगी तुम्हें मेरे फोन में भी, ए बाबा मेरे ब्लॉग में भी मानो की तो मिलेगी 15 की, मेरी भी मिलेगी 11 15 की क्वालिटी। चलने का सीधे अलमुड़ा देखो भाई, गाइस पहले यार तिरछी आंखों से देख भी रहा दीपक को। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग को यहीं पनीर खिलाते खिलाते खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। आई नो आप लोगों को ये डेली व्लॉग ना शूटिंग के व्लॉग्स बोरिंग लग रहे होंगे, बहुत जल्दी हम एक ट्रैक करने वाले हैं, तो आपको बहुत जल्दी हम लोग कुछ नए के साथ मिलेंगे, और आई होप कि आप सभी लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी। और ट्रैक हम लोग 100% करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं हमारा दो जगहों का कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो हम क्लियर करके आपको बताएंगे। और कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना, फिर मिलेंगे जी आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।